लाखों की लागत से बने नवनिर्मित आगासोद हाई स्कूल भवन में छात्र छात्राओं को नहीं है पानी पीने की व्यवस्था, छात्र छात्राएं परेशान, 1 किलोमीटर दूर कुआं का सहारा। SDM ने कहा जल्द होगी व्यवस्था। दरअसल ग्राम आगासोद में छात्र छात्राओं के लिए लाखों की लागत से हाई स्कूल के भवन का निर्माण कराया गया है, जहां लगभग 270 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, लेकिन छात्र छात्राओं को पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से छात्र छात्राओं को 1 किलोमीटर दूर कुआं पर पानी पीने के लिए जाना पड़ता है। स्कूल प्रबंधन अपनी व्यवस्था से एक पानी का कैंपर रखे हुए हैं जो पर्याप्त नहीं है, जिसके वजह से कुछ विद्यार्थी घर से ही पानी लेकर आते हैं। अधिकांश विद्यार्थियों के लिए करीब 1 किलोमीटर दूर कुआं का सहारा है। ऐसा नहीं है कि स्कूल प्रबंधन ने शिकायत ना की हो, दर्जनों शिकायतों के बावजूद भी पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सका, जिसको लेकर सरपंच प्रतिनिधि ने भी विभाग से शिकायत की है। पानी की व्यवस्था के साथ साथ शौचालय भी पर्याप्त व्यवस्था में नहीं है, जिसके चलते छात्र और स्कूल प्रबंधन को परेशान होना पड़ता है। वही मामला मीडिया में आने के बाद SDM प्रकाश नायक का कहना है कि जल्द पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय तैयार करवाया जाएगा। बिल्कुल सही जानकारी मिली है आपको। हमारे जुलाई में यहाँ जो अतिरिक्त कमरे को हैंड ओवर हो गए थे और सभी क्लासे यहाँ संचालित हो गई थी। 9 से 12 क्लास में 377 बच्चों की स्ट्रेंथ थे और पानी की समस्या जब से हमने यहाँ साला में क्लासें संचालित की है तभी से है। इसकी जानकारी मैंने व्यक्तिगत स्थानीय स्तर पर पंचायत साहब सरपंच साहब को भी दी है और CO साहब को, मैंने अपने विभागीय अधिकारियों को भी अवगत कराया है कि पेयजल की बहुत समस्या है, शौचालय भी एक ही है और उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। लोकल स्तर से हम अपने कैंप पर यहाँ ग्राम पंचायत से पानी भरवाते हैं और रखवा देते हैं, ख़त्म हो जाता है तो 7 दिन में 2 बार पानी के लिए भरवाने जाना पड़ता है और बच्चे भी कई वाटर लेके घर से आते हैं पानी के लिए, जो एक बहुत समस्या है। मैंने जनपद CO को भी इसका रिमार्क कराया था और उनके लेटर लेके मैं PHC विभाग में गया था और वहाँ मैंने उनसे परमिशन भी मांगी थी कि यहाँ पर जो हाई स्कूल की बिल्डिंग है, सामुदायिक शौचालय है, सामुदायिक भवन है, यहाँ पानी की सुविधा की जाए। ये हाई स्कूल के अतिरिक्त कक्ष बने हमारे ग्राम पंचायत आगासोद में, यहाँ पर 250 से 300 बच्चों की स्ट्रेंथ है, बच्चे भी हैं, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय में भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, गंदगी रहती है शौचालय में, बच्चे यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर पानी के लिए जाते हैं। मैं तो आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपके माध्यम ही से मुझे आज पता चला है इसमें, और मैंने अभी तत्काल दोनों जगह बात की है, SDO PHC से भी बात की है और RES से भी बात की है, तो जो आपकी टॉयलेट की समस्या है वो प्रक्रिया शुरू कर देंगे और मार्च लास्ट तक उनका टॉयलेट तैयार हो जाएगा और विद इन ए वीक वहाँ पर जो हैंडपम्प की बात है वो वहाँ पर शुरू हो जाएगा।